सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। खलील खालिद आपकी सोच से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। बिल्कुल। हमें यह कैसे मालूम होगा कि यह नक्शा कहां का है? मैं पता लगा लूंगा। यह नक्शा हमें जामगोश तक ले जाएगा। यह है वो नक्शा जनाब। आपका शुक्रिया। अब्दुल हमीद ने मुझे कर्जों को एक जगह जमा करने का फरीजा सौंपा है। अगर मैं ये ना कर सका तो मैं खुद पर उसका भरोसा खो दूंगा। हमने जितनी भी सरमायाकारी यूरोप से दरामद में लगाई थी वो डूब गई है। यानी कपड़ा जो यूरोप से मंगवाया था वो जल गया है। लेकिन शिवनाज खातून के लिए हमारे एहसासात अब भी नहीं बदले हैं, और अब हम ये बात आपके बाबा से और नहीं छुपाएंगे। एडवर्ड के पास अब्दुल हमीद को तबाह करने का एक ऐसा मंसूबा है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा मंसूबा जो पूरी दुनिया को तब्दील कर देगा। मोहम्मद सलीम ने हमारे दिए गए फरीजे के मुताबिक कारखाने के मालिक जनाब हिकमत को उनकी दुकान भेजा। इस तरह हमने अपनी औलाद को उनकी मर्जी के मुताबिक तिजारत करने की इजाजत दी। आर्मीनी दहशतगर्द ग्रुप कहते हैं कि वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। खुशखबरी है, दस्तखत के दौरान आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। उसके खिलाफ जो कुछ भी किया हमने उसका खामियाजा हम खुद भुगत रहे हैं। कुछ लिबास हम मकामी कपड़ों से भी तैयार करवा सकते हैं, और मुस्तकबिल में इसे बढ़ाएंगे भी। मेरा नहीं ख्याल कि हम इस तरह कपड़ों का मयार कायम रख पाएंगे। कामयाब होंगे हम, जरूर होंगे। रुबीना, मैं करवाती हूं तारुफ। जनाब एडवर्ड चौरस, और ये मेरे भाई गारू। आप जरूर कुल्हाड़ी वाली खातून हैं। बेहतरीन, मैं यहां आप लोगों से मिलने आया हूं। यह आपकी खुशकिस्मती है कि आप मेरे साथ काम करेंगे, और आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे मुखालिफ काम करने वाले जिंदा नहीं रहते। आपके मुखालिफ ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन एक शख्स है जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। वो खलील खालिद, वो आदमी जो कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि हमारा एक नाहल आदमी सैम्यूल उसे मारना चाहता था, लेकिन खुद मारा गया। मेरे पास उनको एक एक करके तकलीफ देने का बहुत वक्त है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फहरिस्त बनाकर दो। हमारे पास इस वक्त कितनी जगह मौजूद है और उन जगहों पर कितने आदमी हैं। उम्मीद करता हूं इस फहरिस्त में तुम तमाम तफसीलात दे दोगे, क्योंकि कामयाबी हमेशा तफसीलात के पीछे छुपी होती है, ये कभी मत भूलना। फिलहाल के लिए इतना काफी है। जल्द दोबारा मिलेंगे। अलविदा रुबीना।
हमें अकेला छोड़ोगी? तुम्हारे ख्याल में तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुमने मुझे भाई के तौर पे क्यों मुतारिफ कराया? पर सुकून रहो, मैंने वही किया जिसका हुक्म था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ? उनका कहना है आप और हम मकामी कपड़े भी फरोख्त करेंगे, बसूरत दीगर अब्दुल कादिर और नायमे शराकत दारी जारी नहीं रख पाएंगे। समझ नहीं आ रहा कैसे? अब्दुल हमीद हमेशा ही हर उस चीज को मफाद में ले ही आता है जो असल में उसके मुखालिफ हो रही हो। ये सब बस आरजी है। ये आरजी वक्त जितना जल्दी हो सके गुजर जाए तो अच्छा है। बाबा कहाँ है? वो इंतजार करते करते थक गए। इन दस्तावेजात के तैयार होने तक वो पाया तक घूमने गए हैं और बाद में अब्दुल हमीद से मिलकर इस पर दस्तखत करेंगे। ठीक है, वक्त कम है, मुझे तकरीब की तैयारियों का जायजा भी लेना है। बाबा के आने से पहले मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम भी जल्दी मुकम्मल करो इसे, बाबा को इंतजार करना पसंद नहीं है। अगर आप मुझे अकेला छोड़ेंगी तो करूंगा। जनाब, यहां कुछ तो हो रहा है। पहले यहां कोई नहीं होता था, लेकिन अब यह जगह लोगों से भरी हुई है। वो क्या ले जा रहे हैं? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? मैं तमाम मजदूरों को जानता हूं जजार, लेकिन इन मजदूरों में से किसी को नहीं जानता। जब से हम आए हैं वो मुसलसल काम कर रहे हैं और काम मुकम्मल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो पहले एक बोरी को अंदर ले जाते हैं और फिर उसी को बाहर ले आते हैं। नादिर साहब, इस आदमी का ताकुब करें। सुबह मैं आपसे मिलने की मुंतजर रहूंगी खलील खालिद। अब हम दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तुम समझना नहीं चाहती जैनब। जगह का मुआयना किया, ये वाजे नहीं हो सका कि अंदर कौन है। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। वो बोरियों के साथ अंदर बाहर जाते रहे ताकि ध्यान हटे, लेकिन बोरियां कभी खत्म नहीं हुई क्योंकि वो एक ही बोरी थी जिसे वो अंदर और बाहर लेकर जा रहे थे। वो कितने आदमी हैं? 15 से 20 आदमी होंगे। उनमें से एक शख्स का नादिर साहब ने ताकुब किया, जब उसने हमला किया तो नादिर साहब ने संभाल लिया। अब हम क्या करेंगे? तैयार रहो भतीजो, आज उन पर हमला करेंगे हम। जामघोष को वहां रखा हुआ है,
हम वहां जाएंगे और चामकोस को बादशाह करवाएंगे। हम तैयार हैं जनाब। बेहतरीन, मैं भी तैयार हूं। हर किसी को अपना काम संजीदगी से करना है। अगर कोई आदमी मरा तो इसका मतलब होगा कि उसने अपना काम संजीदगी से नहीं किया था और अपनी जिंदगी देकर उसकी कीमत चुकाई। क्या सबके पास पिस्तौल है? आज कोई असलहा इस्तेमाल नहीं होगा। मैं चाहता हूं जब वो यहां आए तो तुम सब बजोरे बाजू उनसे लड़ो, ना कि असलहा से। अगर आज अपने हाथ से किसी को ना मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आ जाए। सुल्तानी मुआज़म, हम तहसीन पाशा से बात कर रहे थे कि जब कर्ज का मसला हल हो जाएगा तो रियासत की तरक्की के लिए हमें क्या इकदामात करने हैं। आप किस लिए तशरीफ लाए हैं? रोथचाइल्ड से कर्जों के इस्तेहकाम से मुतालिक मुहायदा हो गया है। खुदा का शुक्र है पाशा। रियासत के लिए आपने बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं फौज साहब। ये तो मेरा फर्ज था। मैं हमेशा आप पर अपनी वफादारी साबित करने के लिए तैयार रहता हूं। उम्मीद है आपने जरूरी दस्तावेजात तैयार कर ली होंगी। तो फिर रोथचाइल्ड को महल बुलाइए और यह मामला खत्म कीजिए। जैसा आप कहें। गद्दार होने के बावजूद भी आज ये शख्स हमारे काम आ रहा है सुल्ताने मौसम। तहसीन पाशा, जब दस्तखत हो जाए तो हमारे हुक्म पर अमल दरामद भी हो जाना चाहिए। आप सिपाहियों को तैयार रहने का हुक्म देंगे और फुआद साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। रोथचाइल्ड के सामने हम फुआद साहब पर इत्माद का इजहार करेंगे और फिर उन्हें हैरान कर देंगे। हम कर्जों के इस मसले से भी जान छुड़ा लेंगे और फुआद साहब जैसे गद्दारों को भी सबक सिखा देंगे। हमारे हुक्म पर फौरन अमल कीजिएगा पाशा। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। तुम्हारा भाई कहना मुझे पसंद नहीं आया रुबीना। रुको, मुझे देखने दो। आपने आने की जहमत क्यों की? मुझे खबर कर दी होती मैं खुद आ जाता। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, रुबीना को लेने आया हूं। मैं चाहता हूं कि वो पाए तख्त मेरे साथ चले। अगर मेरे भाई आने की इजाजत दें तो मैं बखुशी आने के लिए तैयार हूं। क्या कहते हैं आप भाई? क्या आप हमें कुछ वक्त देंगे? सिर्फ एक मिनट। रुबीना के लिए। तुम मेरी बीवी, मेरी इज्जत हो, और अगर तुम इस शख्स के नजदीक हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये तंसीम का हुक्म है, तुम्हें याद रखना चाहिए। तंसीम ने ही मुझे तुम्हारी बीवी बनाया था।
हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए दादा? नहीं, ये वही जगह है। इस जगह पर तो कोई भी नहीं है जनाब, हमने अपनी आंखों से देखा था। चामगोस, चामगोस, जगह तलाश करो। चामगोस, क्योंकि हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। मगर क्यों? क्या तुम अभी तक नहीं समझी ज़ैनब? जब तक तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हारी जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी, और मैं इन जज्बात के साथ जिंदा नहीं रह सकता। यही वजह है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना नहीं चाहा ज़ैनब। राहत और सुकून का वक्त आ गया है। अगर आप चले जाते हैं तो कोई एक बहुत परेशान होगा। ज़ैनब खातून, ज़ैनब, आप कुछ सोच रही हैं? कोई परेशानी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं शहजादे। ज़ैनब, हम जानते हैं आपके साथ क्या मसला है। आप हमारी आंखों में क्यों नहीं देखती और क्यों हमसे बात करने से गुरेज करती हैं? हम इसकी वजह जानते हैं शहजादे। मैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप हमसे मोहब्बत करती हैं, बजे तुम वहां पहुंच जाना और इस बारे में किसी को खबर ना हो। बेफिक्र रहे सुल्ताना, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा और ना ही कोई मुझे देख पाएगा।
नहीं है चाचा। वो यहाँ नहीं है, लगता है वो उसे कहीं और ले गए हैं। जामघोष, भतीजे आंखें खोलो, खोलो, जामघोष हमें छोड़कर मत जाओ, मैंने कहा आंखें खोलो, जामघोष, उठो जामघोष, उठो, जजार, जल्दी से तबीब को बुलाओ, जल्दी करो, जामघोष आंखें खोलो, होश में आओ भतीजे, हमें अकेला मत छोड़ो, मैंने कहा उठो भतीजे, जनाब ये मर चुका है। मुआहदे की तमाम शराइत हमारे मुताबिक हैं सुल्तान मुअज्जम, हमारे सारे कर्जे एक जगह जमा हो चुके हैं, हमें रियायत मिल गई है। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, जनाब रुथचाइल्ड और फुआद साहब आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। दरवाजा खोलो, आइए। आइए। रुथचाइल्ड साहब। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, हमें याद है जब हमने गैर मुल्की ताजर को मुलाकात के लिए सिर्फ आधा मिनट दिया था तो उसने इसे अपने लिए बड़ा एजाज समझा। वो यूरोप जाकर मसरत से झूमता रहा और उस्मानी सुल्तान से अपनी मुलाकात के बारे में सबको बहुत फखर से बताता था। आज आपको यह एजाज बख्शा है हमने।
हमारे हुक्म की तामील की जाए बादशाह। दरवाजा खोलो मुहाफिज। दस्तखत तो कर दिए हैं लेकिन मोहर नहीं लगाई है। हमारा दस्तखत बहुत अहमियत रखता है लेकिन दस्तावेज पर बैंक की मोहर का होना भी जरूरी है और उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? इस मुआहदे से उस्मानियों को बहुत कीमती चीजें हासिल होंगी। आप नए कारखाने बनाएंगे, दरसगाहें और अस्पताल बनाएंगे। आपकी रियासत कर्जों से निजात पा चुकी होगी और नई तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगी। असल बात पर आइए रुथचाइल्ड साहब। यकीनन आपको मालूम होगा उन आसानियों का जो हमने आपको दी है। अब हम भी आपसे कुछ चाहते हैं। हमारी शर्त यह है कि कर्जों की इंतजामिया के सरबराह का इंतखाब किया जाए, वो भी अभी। आप किसे तजवीज करते हैं? इन कर्जों के मुआहदे पर मोहर लगाने के लिए हमारी वाहिद शर्त। फौज साहब को इंतजामिया के सरबराह का मनसब सौंपा जाए। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फवाद साहब को इंतजामिया का सरबराह तैनात करते हैं हम। ये मुआहदा उस्मानियों को तरक्की करने की इजाजत देगा। तहसीन पाशा, सिपाहियों के हवाले से हमारे अगले हुक्म का इंतजार कीजिए। आप लोग जा सकते हैं। रियासत के लिए अपनी जान देने वाला बहादुर, मौत ने तुम्हें इस दुनिया की मुश्किलात से आजाद कर दिया। आह, ये क्या हो गया? जो दुश्मनों से लड़ते हुए मेरा बाजू बनता था, आज वो जमीन के नीचे चला जाएगा। तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारा हक मेरा हक है। तुम्हारी जिंदगी जो खत्म हुई वो मेरी जिंदगी है। तुम्हारा इंतकाम मेरा इंतकाम है। तुम यहां क्या कर रहे हो? हां,
इस जगह को कैसे तलाश किया? मुझे रुथ स्टाइल ने बताया कि तुम यहां हो। अच्छा, तो ये है वो पुरस्रार जगह जहां अपने राज को छुपाते हुए अपनी रसूमात अदा करते हैं। क्यों आए हो यहां? क्या चाहते हो तुम? मैं यहां रूबीना को तुमसे मुतारिफ करवाने आया हूं। ये पायतख्त के मामलात में मेरे साथ रहेंगी। मैंने आपके बारे में काफी सुना है। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर तो खुशी नहीं हुई मुझे। शिवनास खातून मजहबी तौर पर यहूदी है रूबीना। वो नाराज हो रही हैं क्योंकि हमने उनकी इबादत में खलल डाला है। चलिए जारी रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या तुम शामिल नहीं होना चाहोगे? मैं मैं किसी से हुक्म नहीं लेता, किसी से भी नहीं। मैं किसी के आगे घुटने नहीं टेकता और ना ही खुद से बड़ा होने पर इज्जत देता हूँ। शिवनास खातून, हम सिर्फ और सिर्फ अपने अकीदे के आगे घुटने टेकते हैं। एडवर्ड, तुम दौलत और ताकत की गुलाम हो। तुम ज्यादा दौलत और ताकत हासिल करने के लिए काम करती हो। तुम अपनी हुक्मरानी के लिए ज्यादा जमीनों की आरजू रखती हो। ज्यादा लोग तुम्हारे लिए काम करें ये चाहती हो। लेकिन मैं आजाद हूं, मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं किसी के लिए काम नहीं करता। मैं तुम्हारी तरह किसी के आगे घुटने टेक कर जिंदगी गुजारने से मौत को तरजीह देता हूं। शिवनास खातून, आपकी रियासत इजाफी कर्जों से निजात पा रही है। अब मईशत तरक्की की तरफ गामजन होगी। ये कर्जे असल में क्रीमियाई जंग के हैं। रूस और हमारे दरमियान जंग को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया और फिर उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को और रूस को कर्ज के बोझ तले दबा दिया। रूसी अब तक इस पर काबू नहीं पा सके, लेकिन हमने कर्जों को कम कर लिया। उस्मानी मईशत का मुस्तकबिल रोशन है। अगर आप इजाजत दें तो हम इसमें सरमायाकारी करना चाहते हैं। हमारे दरवाजे सरमायाकारों के लिए खुले हैं। हम उस्मानी डाक और टेलीग्राम के निजाम को खरीदना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में फुआद साहब? सुल्तान मौज़्ज़म, ये रियासत के लिए काफी मुनाफा बख्श साबित होगा। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि रुथस्चाइल्ड साहब को वो टेलीग्राफ लाइन देना जिनके जरिए हमारी रियासत की खुफिया खबरों की तरसील होती है। इस सूरत में इसका मुनाफा बख्श होना भी सूदमंद नहीं। ठीक है, हम उस्मानियों से अपनी दोस्ती जाहिर करने के लिए दीगर मवाकों की तलाश में हैं। सुना है आप गरीब और यतीम बच्चों के लिए दर्सगाह कायम करना चाहते हैं, ऐसी दर्सगाह जहाँ बच्चे दस्तकारी सीखेंगे। बिल्कुल, लेकिन हम कर्जों की वजह से अभी तक इसे कायम नहीं कर सके। और क्या उस दर्सगाह में मुसलमान, ईसाई और यहूदी बच्चे मिलकर तालीम हासिल करेंगे? हम यतीम और गरीब बच्चों में मजहब और कौमियत के लिहाज से फर्क नहीं करते। तो फिर अगर आप हमें इजाजत दें तो हम दर्सगाह के लिए इमारत अतिया करना चाहते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आप हमें दर्सगाह के लिए अपने इदारे की एक इमारत अतिया करने की इजाजत देंगे? जरूर इजाजत देंगे। इस सूरत में दर्सगाह का इफ्तिताह हम खुद करेंगे। तहसीन पाशा, रुथस्चाइल्ड साहब जिस इमारत का जिक्र कर रहे हैं उसका जायजा लीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन इन्हें मुहैया की जाए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। उस्मान साहब, हम आपसे खबर सुनने के मुंतजर हैं। हमें बताएं उस जगह पर क्या हुआ। क्या वहाँ शिवनास खातून थी? मैं सब कुछ बताता हूँ। असल में जब मैंने वो मंजर देखा तो मैं हैरान रह गया। वहाँ मेजें लगी हुई थी और गरीबों में खाना तकसीम किया जा रहा था।
वहां काफी गरीब लोग मौजूद थे सुल्ताना। इंतजामिया ने बताया कि यहाँ शिवनास खातून के कहने पर खाना तकसीम किया जाता है, और ये भी कहा कि पाया तख्त के इर्द गिर्द शिवनास खातून खैराती काम करती रहती है। लेकिन आपने कहा था कि वो एक गैर आबाद इलाका है, वो आखिर वहाँ पे खाना क्यों देंगी? मैं भी हैरान हूँ सुल्ताना, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। सुल्तान मौसम, हम इस मुआहदे से सड़कें, कारखाने, दरसगाहें और अस्पताल बनाएंगे, और इस तरह आपका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन फुआद साहब को हम गिरफ्तार नहीं कर सके। ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि रियासत का गद्दार और रियासत का दुश्मन इस तरह आजादाना महल में फिरता रहे। क्या ये हम कर सकते हैं पाशा? क्या ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हमने अपना हुक्म वापस लिया, बहुत मुश्किल से खुद को सख्त रवैये से रोका। तो आपने उन्हें ऐसे क्यों जाने दिया? कोई सजा क्यों नहीं दी सुल्तान मौसम? रियासत के लोगों के लिए पाशा, हम फवाद साहब की पुष्पनाही करने वाले लोगों को तलाश कर रहे थे। हमने उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी जिसकी वजह से रियासत कर्जों से निजात पा जाए। हमें मालूम हुआ कि इसके पीछे आलमी सरमायाकार रोथस्चाइल्ड है। वो यकीनी तौर पर यह समझ गया था कि हम क्या कदम उठाने वाले हैं। उसने फवाद साहब को बचाने के लिए उन्हें मनसब देने की शर्त रख दी। अब हम आपसे पूछते हैं तहसीन पाशा, एक शख्स से इंतकाम लिया जाए या रियासत की तरक्की को देखा जाए? अगर हम उस वक्त फवाद साहब को गिरफ्तार कर लेते तो फिर ये मुआहदा कभी ना हो पाता। हमारा फर्ज है कि रियासत के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का डट कर मुकाबला करें, लेकिन रियासत के लोगों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती पाशा। जरूरी हुआ तो रोज उन चेहरों को देख लेंगे जिन्हें देखना हमें हरगिज गवारा नहीं, लेकिन रियासत के बच्चे दर्सगाह में तालीम हासिल करने जाएंगे। बच्चों की पैदाइश के दौरान खवातीन नहीं मरेंगी, और उनके खावन बेरोजगार नहीं बल्कि हमारे कारखानों में काम करेंगे। दुरुस्त फरमाया सुल्तान मौसम। तो अब हम फवाद साहब को कर्जों का मसला हल होने से पहले गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन सही वक्त आने पर उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। अब हम जान गए हैं कि उनके पीछे कौन है, कहां से ये ताकत मिल रही है उन्हें। अब हमारे सामने खुला जंगी महाज है। हम उस्मान गाजी की नस्ल हैं। हार नहीं मानेंगे, शिकस्त नहीं खाएंगे हम। हमारा सामना हमेशा बेईमान, बेअकीदा और गद्दार के साथ ही हुआ है, लेकिन आखिरकार दुश्मनों का नामो निशान तक मिटा देंगे हम। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम, इंशाअल्लाह। कोई गालिब नहीं अल्लाह के सिवा। शहजादे, यकीनन आपने हरम की लड़कियों से ये अफवाह सुनी होगी मेरे बारे में। किस तरह की अफवाह है ना? हमने कुछ नहीं सुना। तो फिर आप यहां कैसे आना हुआ? हम आपके जज्बात के बारे में कैसे जानते हैं? आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अंदाजा है। ये बात अहमियत नहीं रखती ज़ैनब कि हमने किससे सुना है। आपको इस वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। दरअसल ये अच्छा हुआ कि हमें आपके एहसासात का इल्म हो गया, इसलिए हम आपको अच्छी तरह जानना चाहते हैं। ये बताओ कि तुमने वो खबर सुनी? कौन सी खबर? खलील खालिद के एक आदमी को किसी ने मार दिया है। अल्लाह मग़फ़रत फरमाए उसकी। चाचा बहुत गमज़दा है। आपने वो काम किया है जो हम हजारों लोगों के साथ मिलकर नहीं कर सके। आपने जामगोस को मारकर खलील खालिद को गहरा जख्म दिया है। सैम्यूल खौफ और एहतराम के साथ आपका जिक्र किया करता था, वो सही था। तुम ये क्यों नहीं कर सके गारो? क्या कमी थी? तुम आज तक खलील खालिद को खत्म क्यों नहीं कर सके? मैं बता सकता हूं, क्योंकि तुम अपनी हिम्मत हार गए हो, या तुम में हिम्मत कभी थी ही नहीं।
तुम्हें इस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए बहादुर होना पड़ेगा। बताओ क्या तुम हो? अगर मैं बहादुर ना होता तो आप मुझे अपने साथ हरगिज ना रखते। मैंने नहीं रखा, सैम्यूल ने रखा था, मुझे उस पर एतबार था। गारो मेरे दोस्त, अब वक्त है कि मुझे तुम अपनी बहादुरी दिखाओ। जब हमारा दुश्मन गम की आग में झुलस रहा है, अगर ऐसे में तुम उसके सामने जाने की हिम्मत कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर ये मैं खलील खालिद को देने गया तो वो मुझे वहीं दफन कर देगा। हाँ हो सकता है, लेकिन तुर्क जनाजों का एहतराम करते हैं, शायद वो तुम्हें ना मारे। लेकिन अगर तुम ये उस तक नहीं ले जाते तो कुछ बुरा तो जरूर होगा, इस बात का यकीन रखो। मैं जाऊंगा। बेहतरीन। बेशक मौत पर हक है, उस मौत ने तुम्हें आ घेरा, रात की चांदनी और सुबह की रोशनी सब बेनूर हो गया। अगर मुसीबतें मेरे टुकड़े कर देती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, तुम्हारे गम की आतिश ने मेरे दिल और रूह को जलाकर राख कर डाला है जांगोस। ऐ मेरे भतीजे, काश तुम मुझसे पहले यहां ना लेटे होते। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाए और तुम पर अपना खास रहम नाजिल फरमाए। तुम सब अपना असलिहा नीचे करो, अपने गम का मदावा करना चाहता हूं मैं इस कुत्ते को गोली मारकर। जजार हम जनाजे में है, ये वक्त इंतकाम का नहीं, पिस्तौल नीचे करो। जल्दी की तुमने, मैं वैसे भी जनाजे के बाद तुम्हें ही तलाश करने वाला था। मैं जनाजे में शामिल होने आया हूं। तुम इस कागज के टुकड़े को दिखाकर जनाजा ईसाइयों के तर्ज पर कराना चाहते हो? तुमने कागजात देख लिए हैं, अगर चाहो तो इनकी तस्दीक करवा सकते हो। अब गुस्से का कोई फायदा नहीं। जामगोज आर्मेनियन जमात का रुकन था, यह आश्कार है। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम इसे जहाँ चाहे दफन करो। मेरी तरफ देखो, अब अगर तुमने एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो तुम्हें किसी भी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। दफा हो जाओ इससे पहले कि तुम मारे जाओ। लेकिन हमने उस वक्त मोहर नहीं लगाई थी, और फिर हमने फवाद को कर्जों की इंतजामिया का सरबरा बनाने की शर्त रख दी और इसे गिरफ्तारी से बचा लिया। शिवनाज खातून को उनके होने वाले शोहर की तरह महल में ही रहने दीजिए, जब तक वो यहाँ रहेंगी उनके हर कदम पर निगाह रख सकेंगे हम। हमें कुछ दिन तक लगातार काम करना होगा और शायद हम थक भी जाएं, लेकिन हम जो कपड़े सियेंगे वो हमारे यतीम बच्चों को गर्मी पहुंचाएंगे और बायसे खुशी होंगे उनके लिए। मैं जिस शहर में भी कदम रखता हूँ उसकी तारीख बदल देता हूँ, पाया तख्त में भी पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। आप उन्हें गुजरगाहों की तफसीलात बता दें,
और सिपाहियों की तैनाती से मुतालिक भी आगाह कर दें। तुमने अब्दुल हमीद का राज छुपाकर अपनी बेटी रोजा को बंदरगाह के जरिए फरार करा दिया।